डॉक्टर वाई एस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुल अधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने की। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के तीन महाविद्यालय नौणी स्थित बागवानी महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय और नेरी के औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। आज के इस दीक्षांत समारोह में 11 छात्रों को स्वर्ण पदक और 261 को मेरिट सर्टिफिकेट दिए गए। इसके अलावा 665 छात्रों को बीएससी औद्योगिकी एवं बीएससी वानिकी, बीटेक जैव प्रौद्योगिकी, एमबीए, एमबीएम, एमएससी औद्योगिकी एवं बीएससी वानिकी और पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की गई, जिसमें 283 छात्र और 382 छात्राएं शामिल रहीं। 11 स्वर्ण पदक में से 7 स्वर्ण पदक बेटियों ने हासिल किए। राज्यपाल ने कहा कि ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये एक अच्छे संकेत भी हैं, क्योंकि कृषि वानिकी व बागवानी में महिलाओं की भूमिका अधिक होती है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह एक ऐसा यादगार क्षण होता है जो भविष्य में प्रगति करने और विश्वविद्यालय के विशेष योगदान को स्मरण करवाता है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो संदेश भी जारी किया और छात्र छात्राओं को बधाई भी दी। हिमाचल प्रदेश के इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में आज मैं दीक्षांत समारोह के लिए आया था। यशवंत परमार विश्वविद्यालय, यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय बहुत ही जाना माना विश्वविद्यालय है और इसकी परंपराएं भी समृद्ध हैं। और यहाँ का जो स्नातक बाहर आता है वो कुछ न कुछ सीखकर ही आता है। तो आज इस दीक्षांत समारोह के समय सभी यहाँ के जो अपने विद्यार्थी हैं, जो स्नातक बनकर बाहर आए हैं या स्नातकोत्तर भी उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं, उन सब में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने भविष्य में इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम करने की इच्छा उनके मन में दिखाई देती है। और इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज का दीक्षांत समारोह का हुआ, जिसमें इन सबनों ने अपने सहभागिता दिखाई, परंतु आने वाले समय में इस देश के लिए, इस समाज के लिए और खास करके किसान के क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसा विषय लेकर वो यहाँ से जाने वाले हैं। मुझे लगता है यही भावना, जो अपनी मूल भावना इस विकास की भावना है, उसको यह अपना विश्वविद्यालय बहुत ही प्रेरणा दे रहा है, बहुत ही उसको संजोए रखकर आगे बढ़ाया। इसलिए मैं यहाँ के अपने कुलपति जो हैं, यहाँ के बाकी के अपने अध्यापक गण हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।